पहले से ही है। तो कभी शिकायत नहीं की? शिकायत बतेरी करी, कौन सुन रहा है, कोई नहीं आता। हाँ जी, बहुत दिक्कत होती है, 10-12 साल से दिक्कत ही झेल रहे हैं बच्चे भी और बूढ़े भी। सब जगह एप्लीकेशन लगाए, यहाँ तक कि विधायक, हमारे जो विधायक जी हैं अतुल गर्ग जी, वो तो कभी सुनवाई नहीं करते हमारे इसकी। फिर हमने निर्माण विभाग जाए, निर्माण विभाग से भी हमें सारी जगह, सब जगह हमें उम्मीदें ऐसी मिली हुई हैं खोखली। बस बीजेपी वालों ने तो हमारी धज्जियां उड़ाई हुई है। खड़े खड़े खाना बनावे, गंदगी आवे, लैट्रिन बहती रहे जब खाना बनाते रहे। मैं हम नहीं देंगे किसी को वोट, वोट देंगे वहां को जो हमारे पास खड़ा है। आप बाहर आते तो गिर जाते हैं, कपड़े भीग जाते हैं, डेंगू भी होता है, मलेरिया भी होता है। कहाँ से दवा कर रहे हैं, कहाँ से पैसा आता, काम धंधे लगते नहीं है। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र के सुदामापुरी में, जो कि विजयनगर में पड़ता है। पहले हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं। राज्य मंत्री अतुल गर्ग का ये जो है विधानसभा क्षेत्र है, और यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो कितनी बेहतरीन हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, जो सड़क है उस पर पानी इस कदर भरा हुआ है कि मानो बरसात हुई हो। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी बरसात का कोई मौसम नहीं है। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूं, ये जहां आप सामने देखेंगे, ये जो आपको दलदल और कीचड़ दिखाई दे रही है, दरअसल ये यहाँ का एक पार्क है जिसका नाम है माता रमाबाई अम्बेडकर पार्क। अब इस पार्क की आप तस्वीर देख लीजिए कि यहाँ पर बच्चे कितनी खुशहाली के साथ खेल सकते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र का क्या हाल है। कुछ महिलाएं और कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि ये हालात यहाँ पर आज है या पहले से ही हैं। क्या जी, सबसे पहले आपसे ही जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रपाल है जी। चंद्रपाल जी, ये हालात जो हम देख रहे हैं, ये वाकई कितने खतरनाक है जी? पहले से ही है। तो कभी शिकायत नहीं की? शिकायत बतेरी करी, कौन सुन रहा है, कोई नहीं आता। फिर भी आपका यहाँ आप रह रहे हैं, रह भी कैसे रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल। बस ऐसे ही रह रहे हैं जी, मर मर के जी रहे। तो ये हालात यहाँ पर हैं, अंदाजा लगाइए आप कितने बुरे ये हालात हैं। इस कीचड़ में हम खुद पहुँचे हैं, यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं जी। आपसे जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम? पिंकी गौतम। पिंकी जी, यहाँ जो हालात हैं, बच्चों को बड़ी दिक्कतें होती होंगी? हाँ जी, बहुत दिक्कत होती है, 10-12 साल से दिक्कत ही झेल रहे हैं बच्चे भी और बूढ़े भी। यहाँ जितनी भी मौतें हुई हैं सिर्फ इसी गंदगी के कारण हुई हैं। यहाँ तक हमने सारे सब जगह एप्लीकेशन लगाए, यहाँ तक कि विधायक, हमारे जो विधायक जी हैं अतुल गर्ग जी, वो तो कभी सुनवाई नहीं करते हमारे इसकी बीमारी की, ना यहाँ के लोगों की कोई सुनवाई नहीं करते। वो छूटते ही कहते हैं नगर निगम जाके एप्लीकेशन लगाओ, नगर निगम एप्लीकेशन लगाई, नगर निगम वाले कहते हैं कि हमारे अंडर में नहीं है। फिर हमने निर्माण विभाग जाए, निर्माण विभाग से भी हमें सारी जगह, सब जगह हमें उम्मीदें ऐसी मिली हुई हैं खोखली बस। और ऊपर से हमें बीजेपी से तो बिल्कुल ना उम्मीदें हैं, बीजेपी वालों ने तो हमारी धज्जियां उड़ाई हुई हैं हर चीज़ की, गंदगी से लेकर हर चीज़ से, महंगाई तक। तो परेशानियां होती ही हैं। तो ये हालात यहाँ के हैं सुदामापुरी के जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीरज है मेरा नाम। अच्छा, घर में जिस तरह के हालात होते हैं, घर में पानी भर जाता है? खूब भरे, खड़े खड़े खाना बनावे, गंदगी आवे, लैट्रिन बहती रहे जब खाना बनाते रहे मैं। हाँ, अब कोई भी वोट लेने आ तो सही थे तो आदमी हो जा, वोट दे और हमारे में खड़ा रहे, हर वक्त खड़ा रहे, ऐसा इंसान चाहिए हमें। हम नहीं देंगे किसी को वोट, वोट देंगे वहाँ को जो हमारे पास खड़ा है। अच्छा, तो आपकी बार कोई है ऐसा उम्मीदवार? अभी तक तो कोई नहीं आया वोट मांगने, एक जने आए मांगने। कौन कौन आ गए थे? नरे वो आए, क्या नाम है उनका, जय भगवान। नहीं, जय भगवान आए हमारे पास। अच्छा, विधायक के चुनाव लड़ रहे हैं वो? अच्छा जी, आप बताइए आपका क्या? अच्छा, आपके हिसाब से अगर बच्चों की हम बात करें तो यहाँ खेलते कैसे? ये कीचड़ में निकालते नहीं है, सब अंदर ही कर लेते हैं। आप बाहर आते तो गिर जाते हैं, कपड़े भीग जाते हैं, तो बच्चों को पकड़ कर रखते हैं, रोते गाते हैं। अच्छा, बीमारियाँ भी यहाँ पर होती होंगी, डेंगू मलेरिया? हाँ, खूब होता है, डेंगू भी होता है, मलेरिया भी होता है। कहाँ से दवा कर रहे हैं, कहाँ से पैसा आता, काम धंधे लगते नहीं है। आपसे भी जान लेते हैं, ऐसे में जब ऐसे हालात होते हैं, घर के लिए साग सब्जी लेने जाते होंगे तो कैसे जा? ऐसे ही जाते हैं भैया, पानी में है कि निकल निकल के जाते हैं। यहाँ आते हैं ठेली रिक्शे वाले आते हैं सब्जी के? आते सब्जी वाले, कभी कभी कोई आता है, कभी कोई नहीं आता। पानी में कौन आएगा, पानी में कोई नहीं आता भैया, ऐसे ही जाते हैं पानी में ही निकल निकल के सब्जी लेने।
सामान ले। तो ये आप यहाँ के हालात देख रहे हैं किस कदर जो यहाँ के हालात हैं बेकदर हो चले हैं जी। आप बताइए आपका क्या नाम? मेरा नाम इंद्रजीत है। इंद्रजीत जी, ये जो हालात है यहाँ पर लोग बता रहे हैं 10 से 12 साल हो गए, यानी कि मायावती शासन में भी ऐसी हालात रहे, सपा में भी ऐसे रहे और योगी सरकार में जी ऐसा है। जो योगी सरकार और अखिलेश सरकार और मायावती जी सरकार जो रही है, मायावती सरकार में क्या हुआ था, उस समय तो ये प्रोजेक्ट चल रहा था, यहाँ पर काम चालू था क्योंकि 2005 से चालू था और उसके बाद में ये चलता रहा। ये प्रोजेक्ट तो आज भी पूरा नहीं है क्योंकि आज भी 48 मकान ऐसे हैं जो यहाँ पर बने नहीं हैं, उनकी जगह ही नहीं मिली इन्हें। ठीक है जी, आज भी 48 मकान नहीं बने हैं, वो पता नहीं कब मिलेंगे, मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, लोग ऐसे ही परेशान हैं उनके लिए। और बाकी जो मकान हैं वो भी अभी कंप्लीट नहीं है, बहुत सारे मकान ऐसे हैं, अभी मेरे साथ चल के देखना, बहुत सारे ऐसे मकान हैं जो निर्माण निगम ने अभी भी पूरे नहीं किए, वो कंप्लीट नहीं। आपका कहना है कि सरकार बदलते ही काम रोक गया? बिल्कुल, यहाँ का काम रुक गया जी, उसी समय पर जिस समय पर 12 में सरकार बदली थी उसी समय पर यहाँ के काम रोक दिए गए थे। उसके बाद में जब सरकार बदलने के बाद यहाँ पे जो वो थे हमारे विधायक सुरेश बंसल जी बने अगली सरकार में 2012 में, सुरेश बंसल जी ने यहाँ पे थोड़ी कोशिश करवा के ये रोड वगैरह करवाए, हालांकि करे तो उन्होंने ही थे मगर कोशिश करी उन्होंने इन्हें करवाने के लिए कि जल्दी जल्दी यहाँ पे रास्ता बने, तो ये रास्ते बने, रोड बने, अब रोडों की स्थिति देख सकते हैं आप। ठीक है, मगर उसके बाद में कोई भी ऐसा नहीं आया है कि किसी ने भी यहाँ पे, हमारे अतुल गर्ग जी तो इतने वो थे कि यहाँ पे आए और हम यहाँ पे धरने पे बैठे हुए थे, इसी पानी की वजह से हमने धरना दिया था 7 दिन तक, 7 दिन धरने पे देने धरना दिया तो वो इस रोड से यहाँ तक आए, यहाँ से कोने से और वापस लौट के चले गए, हमारे पास तक आने की भी उन्होंने तकलीफ नहीं उठाई कि यहाँ पे आ जाते आके कुछ कहते। उनके पास में हम उनसे मिलने गए, कहने लगे भाई यहाँ से धरना ख़त्म करो, हम ये काम करा देंगे। इधर से जब घूमते जा रहे थे हमने उनसे पूछा, उनका धरना खत्म कर दो आपका काम हो जाएगा और ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गारंटी है। तो उन्होंने यहाँ पे कहा कि 15x15 के हम यहाँ पे 2 चैम्बर बनवाएंगे, वहाँ पे जो ये सामने टंकी है तो उसके पास में जगह खाली पड़ी है, यहाँ पे 15x15 के 2 चैम्बर बनवाने थे, मगर उन्होंने आज तक उस चीज़ पर कोई भी कार्य नहीं किया है यहाँ। तो वो अब तो चुनाव आ गए, हो सकता है दोबारा आ जाए आश्वासन। कौन आ जाए? अतुल गर्ग। अतुल गर्ग जी, अच्छा देखिए हमारे तो बिल्कुल भी मजा है नहीं कि वो आए, क्योंकि जब उन्होंने पिछले 5 सालों में आके नहीं देखा यहाँ पे तो अब क्या देखेंगे। अब किन को चाहते हैं कि कौन हो जो आपके कम से कम इस इलाके की ये मूलभूत सुविधाओं तो सही करते हैं? जो हमारे क्षेत्र का है, हमारे क्षेत्र में इस समय के शुक्ला जी हैं जो BSP से अभी टिकट मिला उन्हें, तो हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, उन्हें वोट करेंगे, उन्हें वोट करने के लिए कहेंगे, और वो हमारे बीच के हैं, हमारे विजयनगर क्षेत्र के हैं, ये कोई बाहर के नहीं है, अंदर गाजियाबाद के हों जो वहाँ से यहाँ तक आ भी नहीं सकते। अब हमारे KK शुक्ला जी हैं यहाँ के हैं, प्रताप बिहार के, प्रताप बिहार से वो कभी भी आ सकते हैं, हमारे बीच के हैं, कम से कम हमारे बीच के तो हैं। इनको ये उम्मीद है कि इनके बीच के हैं तो हो सकता है इनकी समस्याओं को सुने जी। आपका क्या नाम? मेरा नाम फिरोज है जी। फिरोज जी, ये जो हालात हम यहाँ पर देख रहे हैं, सुबह उठते होंगे ड्यूटी के लिए जाते होंगे, रात को सोते होंगे तो मच्छर नहीं सोने देते होंगे, ऐसा हमारा मानना है, आप बताइए क्या हालात हैं जी? हमें यहाँ पर कम से कम 8-10 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए, यहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है, ना पानी की है, और सीवर तो यहाँ पर आए दिन ऐसे ही भरे रहते हैं, ओवर हो जाते हैं हर महीने, बहुत सारी दिक्कत है यहाँ पर और कोई सुनवाई नहीं करने वाला यहाँ पर। तो बिल्कुल देखिए, ये हम आपको सुदामापुरी का हाल दिखा रहे थे जो कि विजयनगर में पड़ती है और गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र ये आता है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि इस सुदामापुरी इलाके को अपने एक ऐसे कृष्ण की ज़रूरत है जो इसका उद्धार कर सके। गाजियाबाद से जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।